Hi everyone, I hope आप सभी लोग बढ़िया होंगे. So finally, after 4 months of continuous effort, we are here with a very detailed DSA sheet for you. अब यार DSA sheet का नाम आपने बहुत सुना होगा क्योंकि बहुत सारी sheets already available हैं. मेरी भी sheet available है पहले से ही. But what is different in this DSA sheet? आप लोगों को वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी ये चीज़ जानने के लिए. बट ब्रीफली अगर मैं बताऊँ तो विथ टाइम क्या होता है ना कि पीपल रिकोगनाइज मोर पैटर्न्स एंड DSA क्वेश्चंस को उन पैटर्न्स में क्लब कर दिया जाता है. पहले इतने ज़्यादा पैटर्न्स रिकोगनाइज नहीं थे क्योंकि किसी ने DSA शीट बनाना स्टार्ट नहीं करी थी. बट धीरे धीरे लोगों ने बनाना स्टार्ट करी, मॉडिफाई होती गई एंड बेटर DSA शीट्स आती गई. दिस DSA शीट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट आउट देयर जो कि करंटली अवेलेबल है. ठीक है, एंड तक वीडियो देखना आपको पता चलेगा. सो यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं उनको पहले टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है. टॉपिक्स के बाद पैटर्न्स में डिवाइड किया गया है. विद इन एवरी टॉपिक देर आर मल्टीपल पैटर्न्स एंड पैटर्न्स के अंदर भी इन क्वेश्चंस को जो अरेंज किया गया है दैट इज अकॉर्डिंग टू द डिफिकल्टी लेवल, नॉट द डिफिकल्टी लेवल विच इज गिवन ऑन Leetcode, क्योंकि उस पर अपने हिसाब से डिफिकल्टी लेवल दी जाती है. द डिफिकल्टी लेवल विच अ स्टूडेंट फेसेस वाइल सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस. ठीक, अब हमने Leetcode प्लेटफॉर्म ही क्यों चुना, उसका रीजन सिंपल सा है. बहुत सारे लोगों ने अपने अपने प्लेटफॉर्म्स बनाने का ट्राई किया, हमने भी सोचा कि अपना प्लेटफॉर्म बनाते हैं. बट वी केम टू द कंक्लूजन कि भाई कुछ भी बना लो, यू गाइज आर गोइंग टू गो ऑन Leetcode. ऐसा हुआ है, मतलब काफ़ी लोगों ने बनाए हैं प्लेटफॉर्म्स, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज ने बनाए, बट आप लोग Leetcode पे ही लगे रहते हैं. तो वी थॉट कि लेट अस लिवरेज Leetcode हियर. ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं. 4 DSA शीट है हमारे पास, चारों का अलग अलग पर्पज है. तो पहली DSA शीट से स्टार्ट करते हैं जो कि थोड़ी सी नई है, दैट इज OA शीट. वेबसाइट पे जाते हैं आपको कॉन्टेस्ट दिखेगा, कॉन्टेस्ट के बारे में भी बात करते हैं, आर्टिकल्स के बारे में बात करनी है. बट लेट्स गो टू Fraz's OA शीट. यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ कंपनी दिख जाएगी, गूगल, TCS, Accenture, JP Morgan, जो फेमस कंपनीज होती हैं जिसमें स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं, उन सभी के जो OA राउंड के क्वेश्चंस हैं उनसे सिमिलर क्वेश्चंस हमने यहाँ पर क्लब कर दिए हैं. सिस्को खोल के देख लेते हैं तो सिस्को के क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे 2022 ईयर के, 2023 ईयर के. आपको यहाँ पर गूगल के क्वेश्चंस 2024, 2023 ईयर के दिख जाएंगे. सो दीज आर द सिमिलर क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन ऑनलाइन राउंड. ठीक है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस नहीं है, मॉडिफाइड हैं थोड़ा सा, बट आपको फेयर आइडिया लग जाएगा भाई किस लेवल के क्वेश्चंस, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. TCS, Accenture, एंड ये जो शीट है दिस इज एन इंक्रीमेंटल शीट. हमने अभी जितनी कंपनीज हो सकी विद इन दिस टाइम फ्रेम, क्योंकि लॉन्च भी करना था, हमने डाल दिए हैं. बाकी और विद टाइम आती रहेंगी यहाँ पर कंपनीज. शीट को यूज़ कैसे करना है तो सारी शीट का मैं कंबाइंड बता दूंगा कि इसको इफेक्टिवली यूज़ कैसे करना है. हम नेक्स्ट चलते हैं Fraz's ऑल DSA पैटर्न्स पे. ये बहुत ही अमेजिंग शीट है. तो दिस शीट कैन बी यूज बाय टू सॉर्ट ऑफ पीपल. एक वो जो जिनको बिल्कुल DSA नहीं आता, बिल्कुल कोडिंग वोडिंग नहीं आती, एंड दे वॉन्ट टू मास्टर DSA, दे वॉन्ट टू क्रैक कंपनीज और मे बी बिकम कंपेरेटिव प्रोग्रामर, उनके लिए भी ये शीट सफिशियंट है. एंड दूसरे लोग जिनको एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, जैसे कि बहुत लोगों को रिकर्जन में दिक्कत होती है या स्लाइडिंग विंडो में दिक्कत होती है, या गूगल के लिए प्रिपेयर करना है तो आपको ग्राफ टॉपिक पढ़ना है या बाइनरी सर्च पढ़ना है, तो यहाँ से वो टॉपिक आप सेलेक्टिव टॉपिक्स भी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं. उसमें क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं. इट बिकेम सो डिफिकल्ट फॉर अस टू नैरो इट डाउन, क्योंकि हमने सारे Leetcode क्वेश्चंस देखे, 3000 से ऊपर है वहाँ पर, एंड सबको सॉल्व करके उनका सॉल्यूशन फिगर आउट किया एंड वी ट्राइड टू अरेंज देम. फिर हमने एलिमिनेट करे क्वेश्चंस वहाँ से कि ये क्वेश्चंस और ये क्वेश्चन काफ़ी सेम है तो लेट्स कीप वन आउट ऑफ दिस, एक एलिमिनेट कर देते. इस तरीके से बनी है ये शीट, पूरा प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है, बट हाँ बहुत ही डिटेल्ड है यहाँ पर. एग्जांपल के लिए आपको मैं एक आइडिया देता हूँ. स्टैक, एक टॉपिक है स्टैक. अब स्टैक के अंदर देयर इज अ पैटर्न वेयर क्वेश्चंस आर आस्क्ड बेस्ड अपॉन पैरेंथेसिस प्रॉब्लम, उनको साथ में रख दिया है. ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, इजी से डिफिकल्ट आपको सारे मिल जाएंगे यहाँ पर. देन डिज़ाइन के प्रॉब्लम्स होते हैं कि दो स्टैक को यूज़ करके कुछ बनाओ, मिन स्टैक बनाओ, डिनर प्लेट स्टैक्स बनाओ, तो दीज आर द डिज़ाइन प्रॉब्लम्स. उसके बाद एडवांस स्टैक प्रॉब्लम्स में कुछ हमने यहाँ पर प्रॉब्लम्स दिए हैं जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट टू थिंक होते हैं. एंड देन मोनोटोन स्टैक, ऑफकोर्स ये तो सभी को पता ही है, मोनोटोन स्टैक के सारे क्वेश्चन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द डिफिकल्टी लेवल हमने यहाँ पर दे दिए हैं. एंड अगेन ये जो पैटर्न्स है ना, इनके अंदर भी कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बिल्कुल सिमिलर लाइंस पे होते हैं, उनको भी साथ में रखा गया कि भाई आपने ये कर लिया, अगर इसका सॉल्यूशन देख के किया तो अगला वाला आप खुद से करो. ठीक है, नेक्स्ट आपको डीपी भी दिखा देता हूँ एक बार. सो भाई डीपी में भी सारे के सारे पैटर्न्स जो भी होते हैं डीपी के, लीनियर, 2D, डीपी ऑन ग्रिड, स्नैपसैक, LIS, LCS, डीपी, एंड देन देर इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग 2 एज वेल, जहाँ पर आपको डीपी विद बिट मास्क, डिजिट डीपी, ये सब मिल जाएगा. तो बहुत ही डिटेल्ड है, आप लोग जाकर के खुद एक्सप्लोर करेंगे, ज़्यादा मज़ा आएगा. बट अब एक बिगिनर कैसे स्टार्ट करेंगे, तो बिगिनर के लिए देखो आप टॉप पे जाएंगे ना तो यहाँ पर आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स दिखेगा, जिसमें C++ एंड जावा अभी दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पाइथन, जावास्क्रिप्ट भी आगे आने वाले टाइम में आ जाएगा. तो इनमें से कुछ भी चुन लो, आप C++ चुन लो, एंड उसके कुछ लेक्चर्स यहाँ पर दिए हुए हैं जिनके आर्टिकल्स आप जा करके रीड कर सकते हैं, एंड ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होते चले जाएंगे. तो भाई जीरो लेवल से प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने वाला बंदा भी यहाँ पर आकर के प्रोग्रामिंग सीख सकता है. ठीक है, कुछ ही आर्टिकल्स हैं, बेसिक
if else, switch case, functions, variables, ये सब यहाँ पर बता दिए हैं and these are sufficient to start with problem solving. फिर हमने time complexity, space complexity यहाँ पर बताया है and online judges क्या होते हैं उसके बारे में बताया है. Then next thing is DSA fundamentals कि भैया पढ़ लिया आपने basics, space time complexity पता चल गई. अब control flow के कुछ problems, array के कुछ problems, control flow में आपके loops जो होते हैं ना उनकी problems आ जाती हैं, pattern printing की problems आ जाती हैं, star patterns, number patterns and ये सारे के सारे यहाँ पर available हैं, जा करके आप लोग इनको भी read करके अच्छे से सीख सकते हैं. And articles आप लोग देखना जा कर कि कितनी simple language में लिखे हुए articles हैं and बहुत ज़्यादा detailed हैं, कहीं भी आप stuck नहीं होंगे और bore नहीं होंगे इन articles को पढ़ने में. I know reading articles is a bit boring. वीडियो बनाना इतना फास्ट पॉसिबल नहीं था, बट आप चाहते हैं कि सभी की वीडियोज़ भी बने तो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. फिर तो ये पूरा का पूरा कोर्स ही बन जाएगा आपका, और इतना बड़ा कोर्स तो पेड कोर्स भी इतने बड़े नहीं होते हैं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड दीज आर्टिकल्स आर येट टू कम, जिसपे कमिंग सून लिखा है वो आर्टिकल बन रहे हैं, प्रोग्रेस में है, वो धीरे धीरे करके आपके इंक्रीमेंटली इसमें ऐड होते रहेंगे. ठीक है, दिस वॉज योर डी एस ए शीट, ऑल पैटर्न्स, इट्स गोइंग टू कवर ऑल डी एस ए पैटर्न्स इन वेरी डिटेल्ड वे. नेक्स्ट इज फ्राज़ इंटरव्यू शीट, इसमें दिस इज अ सबसेट ऑफ द ऑल पैटर्न्स डी एस ए शीट. इसमें 300 क्वेश्चन हैं, इंटरव्यू के लिए सफिशियंट हैं, दीज क्वेश्चन आर फ्रीक्वेंटली आस्क इन इंटरव्यूज. बार बार जो पूछे जाते हैं ना, जो इंटरव्यूअर्स को रटे होते हैं, वो क्वेश्चंस यहाँ पर हैं. फ्राज़ लास्ट मिनट शीट इज अ सबसेट ऑफ इंटरव्यू शीट, एंड इसमें जो लोग भूल जाते हैं कि उनका इंटरव्यू आने वाला है और सिर्फ 2 हफ्ते बचते हैं, 3 हफ्ते बचते हैं, ये उनके लिए है कि भाई जल्दी जल्दी से ये सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लो, सारे टॉपिक्स जो भी हैं मेजर मेजर वो कवर हो जाएंगे. ठीक है, चारों डी एस शीट के बारे में बता दिया. अब हम लोग बात करते हैं कुछ फीचर्स की कि इस डी एस ए शीट को कैसे कंप्लीट करना है. बहुत बार क्या होता है कि हम लोग कुछ स्टार्ट कर देते हैं लेकिन मोटिवेशन नहीं रह पाती, बीच में छोड़ देते हैं. ठीक है, मैंने रिसेंटली ये डेटा भी कलेक्ट किया था कि बहुत सारे लोग कोर्सेज भी छोड़ देते हैं पैसे दे करके, बहुत सारे लोग डी एस ए शीट स्टार्ट कर देते हैं वो भी छोड़ देते हैं. वी हैव ट्राइड टू मोटिवेट यू यहाँ पर थोड़ा थोड़ा. लेट्स से इफ यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम यू विल बी गेटिंग अ मेडल, एंड जैसे जैसे आपकी स्ट्रीक मेंटेन होती जाएगी आपको और मेडल्स मिलते जाएंगे. जस्ट टू मोटिवेट यू आपके लिए यहाँ पर ये मेडल्स इंट्रोड्यूस करे हैं. यहाँ पर आपकी स्ट्रीक भी दिख जाएगी कि आपकी करंट स्ट्रीक कितनी है, मैक्सिमम स्ट्रीक कितनी है. कुछ लोग तो यार स्नैपचैट पे भी ऐसे स्नैप्स भेजते रहते हैं, खाली स्नैप्स, जस्ट टू मेंटेन स्ट्रीक. सो वी थॉट कि ये चीज़ यहाँ पर भी काम आएगी कि एटलीस्ट स्ट्रीक बनाने के चक्कर में आप यहाँ पर आके कुछ ना कुछ तो पढ़ के जाएंगे. सो यहाँ पर आपकी स्ट्रीक मेंटेन हो जाएगी, आपको दिख जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस करे किस दिन पे, लास्ट 7 डेज की आपको एक्टिविटीज दिख जाएंगी, प्रोग्रेस दिख जाएगी. एंड सारी शीट्स एंड उनकी प्रोग्रेस अलग अलग ट्रैक होगी. जैसे आप इसमें आ जाइए फ्राज़ेस ऑल पैटर्न में, एंड हेयर इफ़ यू मार्क वन क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम को मार्क करके देखते हैं, जैसे गेम थ्योरी के अंदर डिविजर गेम मार्क कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपका पता चल जाएगा कि भाई आपने एक प्रॉब्लम यहाँ पर इजी लेवल का कर लिया. ठीक है, अब 1200 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर. किसी बंदे ने अगर फर्स्ट ईयर में, कोई बंदा है सेकंड ईयर में है, उसने ये करने का सोचा कि मैं सब कर लूँगा, फिर भी रिवीजन के लिए 1200 क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं है दोबारा, तो फॉर दैट व्हाट यू कैन डू इज, जो क्वेश्चन आपको ईजी लगते हैं वो क्वेश्चन तो आप स्किप कर सकते हैं, जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगते हैं आपने कहीं से हिंट लिया उनको आप मार्क एज रिविजन कर सकते हैं. तो ये यहाँ पर रिविजन के लिए जो भी क्वेश्चन मैं मार्क करूँगा ना, एंड इफ़ आई आस्क टू शो द रिविजन लिस्ट, तो मेरे सामने वो रिविजन लिस्ट आ जाएगी. ये मेरी खुद की बनाई हुई रिविजन लिस्ट है कि मुझे को ये क्वेश्चन दोबारा करके देखना है. तो इस फीचर को भी आप अच्छे से यूटिलाइज करना. सर्च का फीचर है, अगर आपको ये देखना है कि भाई ये प्रॉब्लम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सर्च करके देखूँ कि भैया ने डाला है या नहीं डाला है, तो सर्च करके देख लेना, बाकी सर्च फीचर का ज़्यादा कुछ यूज़ है नहीं. क्वेश्चन का नाम याद होगा तभी सर्च कर पाओगे आप. चलिए नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं. आपको ना एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल दिखाता हूँ मैं. स्टैक के अंदर मोनोटोन स्टैक में देर इज अ क्वेश्चन नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है मोनोटोन स्टैक का. आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ से आके, एंड यू कैन रीड द सॉल्यूशन विच इज प्रोवाइडेड बाय लर्नयार्ड. अब जो लर्नयार्ड पे सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है वो आपको सबसे ब्रूट फोर्स अप्रोच से लेकर के सबसे ऑप्टिमल अप्रोच तक लेके जाता है, पहली चीज़ जो कि मैंडेटरी है. दूसरा चीज़ ये कि बहुत ही सीमलेस लेके जाता है विद द थॉट प्रोसेस कि भाई यहाँ पर हम क्या क्या यूज़ कर सकते थे, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल थे. एक बार आप देखिए ये आर्टिकल, पूरा तो पढ़ के नहीं बता पाऊंगा इस वीडियो में, बट यू कैन गेट द आइडिया. प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझाया, एग्जाम्पल समझाया, एंड उसके बाद बोला गया कि ट्राई सॉल्विंग इट योर सेल्फ, एंड देन ब्रूट फोर्स अप्रोच समझाई, एंड ब्रूट फोर्स अप्रोच चल कैसे रही है वो समझाया. किसी को वो समझ में नहीं आती है, अगर आपको आती है समझ में तो ये सेक्शन स्किप भी कर सकते हो जल्दी आर्टिकल अगर पढ़ना है तो. फिर ड्राई रन अच्छे से समझाया कि किसी किसी को नहीं समझ में आता पहली बार में, वो ड्राई रन से समझते हैं. ड्राई रन अच्छे से समझाने के बाद फिर कोड समझा दिया सारी लैंग्वेजेज में,
एंड देन उसके बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है वो बताई ही नहीं, सिर्फ उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दी कि वाई इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन क्यूब, एंड देन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताई, एंड वेन टू यूज दिस अप्रोच बता दिया, एंड देन फिर बोल दिया कि एज वी सॉ दैट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ब्रूट फोर्स इज एन क्यूब विच इज इनसफिशिएंट फॉर लार्ज इनपुट, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड बिल्डिंग अ मोर ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ फिर कैसे लेकर के गए हमने वो एक्सप्लेन किया अच्छे से, ठीक है, बहुत ही डिटेल्ड है, एक बार पढ़ के देखना आप, ये एक आर्टिकल पढ़ के देखो, अगर आपको मोनोटोन स्टैक का कॉन्सेप्ट आता है, नहीं आता तो बताता हूँ आपको कौन सा आर्टिकल पढ़ना है। इसका भी ड्राई रन प्रॉपर बता दिया, व्हाट इज अ हैश मैप, भाई हैश मैप हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है, किसी को नहीं पता है कि हैश मैप क्या है तो वो पढ़ लेगी ब्रीफली हैश मैप क्या होते हैं, व्हाई यूज अ हैश मैप भी बता दिया, देन देयर इज अ वीडियो, तो दिस वीडियो इज जस्ट अ विजुअलाइजेशन कि क्या हो रहा है हमारे एल्गोरिथम में, क्या हो रहा है उसका विजुअलाइजेशन है ये वीडियो, देन अगेन देयर इज अ ड्राई रन, देन अगेन कोड्स, टेक अवे क्या है भाई इस अप्रोच से, आपने क्या सीखा, वेयर कैन यू यूज दिस अप्रोच, व्हाट इज अ मोनोटोन स्टैक, क्योंकि अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया था कि इसको मोनोटोन स्टैक बोलते हैं इस कॉन्सेप्ट को, कि आप नेचुरली इस कॉन्सेप्ट तक कैसे आओगे, उसके बाद बताएंगे कि भाई नेचुरली इस सॉल्यूशन तक आप लोग आ गए खुद की इंट्यूशन से, अब इसी को मोनोटोन स्टैक कहते हैं, हमने इस तरीके से आर्टिकल की टोन रखी हुई है, व्हाई यूज मोनोटोन स्टैक, एंड देन फ्यू अदर क्वेश्चंस, सिमिलर क्वेश्चंस जो कि आप लोग जाकर के टू टेस्ट योर नॉलेज सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको एक दूसरा आर्टिकल दिखा देता हूँ जिनको ये स्टैक का कॉन्सेप्ट नहीं आता, उनके लिए बबल सॉर्ट का भी आर्टिकल यहाँ बना हुआ है, यू कैन रीड दिस वन, बबल सॉर्ट में भी प्रॉपर बताया गया है कि बबल सॉर्ट का इंट्यूशन क्या है, वाई इज इट कॉल्ड बबल सॉर्ट, कैसे काम करता है स्टेप बाई स्टेप, एंड बबल सॉर्ट का एक ऑप्टिमाइज वर्जन भी होता है वो भी बताया गया, तो आर्टिकल्स तो यार बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड हैं, डेफिनेटली यू शुड गिव इट अ ट्राई, रीड करो इनको आर्टिकल्स को, एंड हमें बताओ कि कैसे लगे ये आर्टिकल्स, वीडियोस भी हम ट्राई करेंगे लाने का, अगर आप लोग बताते हैं तो कमेंट सेक्शन में यू कैन लेट अस नो इफ़ यू वांट वीडियोस इवन आफ्टर रीडिंग दीज आर्टिकल्स, जरूरत नहीं है तो फिर नहीं लाएंगे वीडियोस, अगर जरूरत है तो वी विल मेक वीडियोस, ठीक है। अब चलते हैं फाइनल चीज पे, वो है कॉन्टेस्ट, तो भाई ये एक 49 डेज का कॉन्टेस्ट है, इसमें आपको फराजिस लास्ट मिनट शीट सॉल्व करनी है जिसमें आपके 97 कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आपको लगभग 2 क्वेश्चन डेली उसमें से शीट में से सॉल्व करने हैं, स्ट्रीक मेंटेन करनी है, मतलब हर दिन आपको सॉल्व करना है कंटिन्यूसली 49 डेज तक, एंड हर दिन जो भी आपने सीखा वो क्वेश्चन जो सॉल्व किया उससे जो भी सीखा उसका लिंक्डइन पे पोस्ट करना है, एंड यू हैव टू टैग मी एंड लर्नयार्ड एंड यूज द हैशटैग DSA विद फराज, दिस विल हेल्प अस फिगरिंग आउट कि भाई किस किस ने ये प्रॉपरली किया है कॉन्टेस्ट। आपको सबमिट नहीं करना ये कुछ भी हमारे प्लेटफॉर्म पे, आपको बस लिंक्डइन पे जाकर के टैग कर देना है मुझे एंड लर्नयार्ड को, आई विल आल्सो कमेंट ऑन योर पोस्ट एज वेल। विनर्स देख लेते हैं, बाकी रूल्स अच्छे से पढ़ना आप लोग, मैंने ब्रीफली बता दिया 49 डेज तक कंटिन्यूसली स्ट्रीक मेंटेन करनी है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हर दिन लिंक्डइन पोस्ट करना है आपको बाय टैगिंग मी एंड लर्नयार्ड, एंड इसका क्या फायदा होगा लर्नयार्ड को, इसका ये फायदा होगा कि और लोगों को पता चलेगा कि कॉन्टेस्ट चल रहा है, आपकी जो लर्निंग है वो दूसरों के साथ शेयर होगी, अगर आप अच्छा पोस्ट लिखते हैं तो उससे और लोग भी सीख पाएंगे, तो दिस इज व्हाट गोइंग टू हैपन विद दिस, एंड वी विल गिव प्राइजेस टू द विनर्स आफ्टर द कॉन्टेस्ट, एंड यहाँ पर 5 लोगों को ये वॉच मिलेगी, देन ये कुछ हेडफोन्स हैं 5 लोगों के लिए, देन कीबोर्ड्स मैकेनिकल कीबोर्ड है फॉर 5 अदर विनर्स, बैग फॉर 5 विनर्स, लर्नयार्ड के कोर्सेज पे 100% ऑफ, जो भी उस टाइम पे कोर्स आ रखा होगा उसके लिए 100% ऑफ मिलेगा, एंड 90% मोस्ट प्रोबेबली DSA का कोर्स होगा या फ्रंट एंड डेव का कोर्स होगा, तो 10 स्टूडेंट्स को 90% ऑफ मिलेगा, 80% ऑफ मिलेगा 20 स्टूडेंट्स को, 70% ऑफ 30 स्टूडेंट्स, 60% ऑफ 40 स्टूडेंट्स एंड 50% ऑफ 50 स्टूडेंट्स, सो दीज आर द प्राइसेस, अराउंड 175 समथिंग स्टूडेंट्स को ये प्राइजेस मिलने वाले हैं। अगेन दिस इज जस्ट टू मोटिवेट यू, असली फायदा आपका ये ना क्वेश्चन सॉल्व करके होने वाला है, जब आपको जॉब मिलेगी 20-30 लाख की तब मजा है उस चीज़ में, ये तो एक छोटा सा आपको मोटिवेट करने के लिए और पुश करने के लिए है कि एटलीस्ट आप 50 दिन तो दो अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व करने में, कैसे नहीं होगा DSA, तो आपको फराजेस लास्ट मिनट शीट सॉल्व करनी है, यहाँ पर आपको हर दिन आकर के क्वेश्चन को मार्क करना है कि आपने ये चीज़ पढ़ी, एक दिन में आप 2-3 पढ़ना चाहते हो टॉपिक्स 2-3 पढ़ के यहाँ पर मार्क कर दो, क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं लीटकोड पे ये सारे, एंड देन उसका एक स्क्रीनशॉट लेके यू हैव टू पोस्ट इट ऑन लिंक्डइन बाय मेंशनिंग मी टैगिंग मी एंड लर्नयार्ड एंड आई विल कमेंट एंड लाइक योर पोस्ट एज वेल आफ्टर 49 डेज, नॉट आफ्टर 49 डेज एग्जैक्टली, हम ये कॉन्टेस्ट चलने देंगे, अगर मान लो कि किसी ने 1-2 हफ्ते बाद भी ज्वाइन किया इस कॉन्टेस्ट को और ये कॉन्टेस्ट डिस्प्ले हो रहा है कि इट इज़ लाइव, दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द कॉन्टेस्ट, ऐसा नहीं है कि आज ही खत्म हो जाएंगे इसके इनरोलमेंट्स, इसके इनरोलमेंट्स चलते रहेंगे कॉन्टेस्ट के, एंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम आई विल रिमूव दिस कॉन्टेस्ट फ्रॉम हेयर, तब समझ लेना कि अब कॉन्टेस्ट में इनरोल नहीं कर सकते, लेकिन ऑलरेडी अगर आपने इनरोल कर लिया उस कॉन्टेस्ट में इसका मतलब ये है कि आप वन ऑफ द विनर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कॉन्टेस्ट में इनरोल करने के लिए सिंपल बटन क्लिक करना है, एक फॉर्म आएगा, ये फॉर्म आपको भर देना है, ठीक है, मैं अभी दुबई में बैठा हूँ तो थोड़ा अरेबिक में आ रहा है ये, तो ये आपको फॉर्म भर देना है, आपके इंग्लिश में आएगा आपके साइड में ये,
भरने के बाद यहाँ से सबमिट कर दो. सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपको पूछेगा कि फॉर्म फिल कर दिया, देन यू शुड से कि यस आई हैव फिल्ड द फॉर्म, डन, आपका एनरोलमेंट हो गया. तो भाई ये डीएसए शीट है, बहुत ही अमेजिंग डीएसए शीट. आराम से एक्सप्लोर करो, कंपेयर करो, जो भी करना है आपको करो. स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस. माय इंटेंशन विल बी टू मेक यू सॉल्व दिस डीएसए शीट. उसके लिए और टूल्स और यहाँ पर हम लोग चीज़ें प्लग इन करने वाले हैं, जिससे आपको ये जो डीएसए शीट है ना, ये कंप्लीट करने में हेल्प हो. तो स्टार्ट सॉल्विंग दिस. जो भी लॉन्चेस होंगे धीरे धीरे करके आते रहेंगे. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो. डू गिव इट अ लाइक. अगर आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए दैट यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द कॉन्टेस्ट. एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.